हेलो गाइस, मैं नेशनल एथलीट अंकित शर्मा, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इन्फॉर्मेशन अड्डा पे। गाइस, आर्मी की तरफ से स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट निकल के आए, जो कि सेंटर की बात करें तो आर्टिलरी सेंटर जो कि एनएससी के अंदर पड़ता है, इस सेंटर की तरफ से स्पोर्ट्स कोटा भर्ती निकल के आई है। गाइस, आर्टिलरी सेंटर एक हैदराबाद के अंदर है, एक नासिक के अंदर, तो नासिक की तरफ से आर्टिलरी सेंटर नासिक की तरफ से स्पोर्ट्स कोटा भर्ती निकल के आई है। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से गेम की वैकेंसी निकल के आई, क्या एज लिमिट क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाला है, प्लस क्या स्पोर्ट्स अचीवमेंट इस सेंटर के अंदर मांग रखी है स्पोर्ट्स कैंडिडेट के लिए, कब आपको रिपोर्टिंग करनी है, कितने बजे रिपोर्टिंग करनी है, कहाँ पे आपको रिपोर्टिंग करनी है, ऑल गाइज हम इन इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो गाइज, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब मुझे मजबूर करता है और साथ साथ मोटिवेट करता है आपको टाइम टू टाइम अपडेट करने के लिए, क्योंकि गाइस आपके लिए स्पोर्ट्स रिलेटेड वीडियो जैसे कि स्पोर्ट्स रिक्रूटमेंट की, सीएसआर, बीएसआर, रेलवे, इनकम टैक्स, सीआरपीएफ, यहाँ तक कि जो नॉर्मल कोटा के अंदर रिजर्व्ड होता है स्पोर्ट्स रिक्रूटमेंट, वो भी टाइम टू टाइम मेरे द्वारा मेरे चैनल पर ऑथेंटिक तरीके से वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाया जाता है। प्लस स्पोर्ट्स रिक्रूटमेंट का छोटा सा छोटा अपडेट जैसे कि ट्रायल लिस्ट, मेडिकल लिस्ट, एलिजिबल, नॉन एलिजिबल, एडमिट कार्ड, फाइनल मेरिट लिस्ट, प्लस स्पोर्ट्स कोचेज की वैकेंसी भी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाया जाता है, आपका जो कॉन्सेप्ट है ऑल क्लियर किया जाता है। तो गाइस, बिना देरी करते आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, जैसे मैंने अभी बताया, आर्मी की तरफ से स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट निकल के आए, जो कि आर्टिलरी सेंटर जो कि नासिक के अंदर गाइस ये पड़ता है, महाराष्ट्र नासिक के अंदर ये सेंटर पड़ता है। तो गाइस, इसकी तरफ से स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट निकल के आई, गाइस ये रिलेशन भी है और इसके अंदर स्पोर्ट्स भर्ती भी निकल के आई, तो हम बात करेंगे स्पोर्ट्स भर्ती की। तो गाइस, आप देख सकते हो 4 अक्टूबर 2023। तो गाइस, दो दिन आपका ट्रायल चलने वाला है। तो गाइस, नेम ऑफ पोस्ट की बात करें तो अग्निवीर जनरल ड्यूटी यानी जीडी की पोस्ट इसके अंदर रहने वाली, नेम ऑफ पोस्ट गाइस जीडी की है, जनरल ड्यूटी जिसे कहते हैं। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th बेस पे आप इसमें जा सकते हैं, आपने 12th कर रखी तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जा सकते हो, 12th भी अपने मार्कशीट लेके जा सकते हो, ठीक है। बट ये जो जीडी पोस्ट की जो है, इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, 10th बेस पे आप इसमें देख सकते हो भर्ती, ठीक है, स्पोर्ट्स भर्ती। तो बात करें गाइस आपकी, जो 3-4 अक्टूबर को आपके इसके अंदर ट्रायल होने वाली है, ठीक है, पहले दिन आपको पहुंचना है। जो कि बात करें आपके नेम ऑफ पोस्ट गाइस, मैंने आपको बता दिया जनरल ड्यूटी की रहने वाली, एज लिमिट क्राइटेरिया की बात करें तो 17.5 से लेके 21 साल तक आप इसमें जा सकते हैं। एंड गाइस, इसके अंदर सिर्फ मेल जा सकते हैं, फीमेल नहीं जा सकती, मेल जा सकते हैं, ओनली मेल, ठीक है, जो कि स्पोर्ट्स कैंडिडेट है, ठीक है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास आपने कर रखा है एंड 12th भी कर रखी है, वेल एंड गुड, आप 12th भी अपनी मार्कशीट लेके जा सकते हैं। स्पोर्ट्स ट्रायल की बात करते हो, अभी पीछे जैसे मैंने बताया था 3 से 4 अक्टूबर के बीच वहाँ का ट्रायल होने वाला है। रिपोर्टिंग सेंटर नेम की बात करें तो गाइस आर्टिलरी सेंटर नासिक, महाराष्ट्र के अंदर ये सेंटर पड़ता है। रिपोर्टिंग टाइम की बात करें तो गाइस आपको 4:30 बजे पहुँच जाना है, यानी 4:30 बजे जाना है, 4:30 बजे आपको सुबह पहुँचना ही है गाइस वहाँ पे, ठीक है। तो एज लिमिट क्राइटेरिया की दोबारा मैं बता देता हूँ गाइस, जिनकी स्पोर्ट्स कैंडिडेट की 1 अक्टूबर 2002 से 1 अप्रैल 2006 के बीच में आता है, वही इसमें एज लिमिट क्राइटेरिया वाले जाए, यानी कि 17.5 से आपकी कम है वो जा रहा है तो आर्मी है, ठीक है, वो आपकी कम है या ज़्यादा है, थोड़ी सी ज़्यादा भी है एक महीना ऊपर तो भी आपको अंदर नहीं करेंगे, ठीक है। पहले तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद स्पोर्ट्स के लिए आप एलिजिबल होगे, ट्रायल के लिए एलिजिबल होगे, फिर आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद आपका फिर आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद फिर रिटर्न आपको होगा, ठीक है। तो गाइस, जो 17.5 से 21 साल के बीच में आते हैं, 1 अक्टूबर 2002 के बीच में आते हैं, 1 अक्टूबर 2002 से 1 अप्रैल 2006 के बीच में जिनका स्पोर्ट्स कैंडिडेट का एज लिमिट क्राइटेरिया आता है, वही इसमें जा सकते हैं। अब बात करें गाइस गेम ऑफ लिस्ट की बात कर तो एथलेटिक्स, आर्चरी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स के अंदर गाइस ट्रैक एंड फील्ड इवेंट इंक्लूडिंग है, ठीक है, यानी कि ट्रैक वाले जा सकते हैं, जैसे कि फील्ड इवेंट में जैसे कि जेवलिन थ्रो, शॉट पुट, डिस्कस, ये आते हैं, ठीक है। तो आर्चरी, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, क्रिकेट, इक्विस्ट्रियन यानी घुड़सवारी, फुटबॉल, फेंसिंग, तलवारबाजी, जिमनास्टिक, गोल्फ, हॉकी, हैंडबॉल, जूडो, कबड्डी, काइंग, कनोइंग, कराटे, रोइंग, रबगी, स्विमिंग, डाइविंग, वाटर पोलो, स्क्वैश, शूटिंग, सेलिंग, टाइगमांडो, ट्रैथलन, वॉलीबॉल, वेटलिफ्टिंग, रेसलिंग, वुशू। तो गाइस, इन गेमों की ये वैकेंसी निकल के जो इस गेम से रिलेटेड है गाइस वही इसमें जाए, अदरवाइज जो अदर गेम के वो इसमें जाए, वहाँ जाएंगे ट्रायल देने के लिए, आपका ट्रायल लिया ही नहीं जाएगा पहली बात तो, ठीक है। प्लस पॉइंट ये है कि गाइस आपके पास जो स्पोर्ट्स अचीवमेंट है, जो स्पोर्ट्स आपके पास अचीवमेंट है, आपका नेशनल मेडल होना चाहिए, ठीक है, फिर आपका
इंटरनेशनल मेडल होना चाहिए, इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन हो जो होना चाहिए, जो कि करंटली 2 ईयर्स का परफॉर्मेंस हो आपका पास्ट का, ठीक है। 2 साल आपने, 2 साल का आपके पास कम से कम, जैसे 2023 की भर्ती है तो आपका 2022-2021 का आपका करंटली आपका होना चाहिए, और 2022 का है तो इंटरनेशनल मेडल है तो बढ़िया बात है, ठीक है, नेशनल मेडल है तो और भी बढ़िया बात है। तो गाइस जैसे कि मैं कहूँगा कि नेशनल पार्टिसिपेशन वाले भी जा सकते हैं, बट गाइस पहले जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा इंटरनेशनल वालों को दिए जाते हैं, फिर नेशनल मेडल वालों को दिए जाते हैं बजाय नेशनल पार्टिसिपेशन वालों को, ठीक है। तो नेशनल पार्टिसिपेशन वाले जा सकते हैं, बट गाइस जो रहेगी प्रेफरेंस की बात, तो गाइस पहला प्रेफरेंस इंटरनेशनल मेडल वालों को दी जाएगा, फिर इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन, फिर नेशनल मेडल, फिर नेशनल पार्टिसिपेशन वालों को। और गाइस इसमें स्टेट मेडल वाले ना जाएं, ना स्टेट पार्टिसिपेशन वाले जाएं, ना ही डिस्ट्रिक्ट मेडल है, ना डिस्ट्रिक्ट पार्टिसिपेशन वाले जाएं। प्लस गाइस जिन बच्चों ने जिन स्पोर्ट्स कैंडिडेट ने प्राइवेट सेक्टर की सर्टिफिकेट बना रखी, वो भी बिल्कुल ना जाए। आप पहले, मैंने जैसे अभी पीछे बताया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले होगा आपका, पहला ही आपका स्पोर्ट्स अचीवमेंट चेक करा जाएगा, ये नहीं कि आपको पहले ट्रायल ले लिया जाएगा फिर बाद में वेरिफिकेशन वगैरह होगा, पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका स्पोर्ट्स ट्रायल के लिए एलिजिबल करे जाएंगे, फिर उसके बाद सिक्वेंस वाइज आपका ट्रायल होगा, फिर आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद भी गाइज आपका जो मेजरमेंट टेस्ट है, हाइट, चेस्ट, जिग जैग वगैरह है, चिन अप्स है, सारी चीज़ करने के बाद फिर आपका मेडिकल के लिए आप एलिजिबल हो गए। फिर उसके बाद गाइज आपका मेडिकल के दौरान आप रीमेडिकल आपका बन जाता है तो आप अनफिट कर दिए जाते तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, फिर आपको रीमेडिकल की डेट भी दी जाएगी। आप रीमेडिकल के दौरान आपका मेडिकल टूट जाता है, वेल एंड गुड, फिर आप रिटर्न के लिए एलिजिबल हो जाते हो। फिर उसके बाद गाइज आपका जो स्पोर्ट्स अचीवमेंट है वो वेरिफिकेशन के लिए भेजेंगे, जो कि फेडरेशन, गवर्नमेंट फेडरेशन से अप्रूव आपकी होगी, वो फेडरेशन के भेजेंगे, वो अप्रूव, फिर वो रिप्लाई देगी जब जा आपका इसके अंदर रिटर्न होगा, ठीक है। तो गाइस जो मैंने कहने का मतलब ये है कि जो प्राइवेट सेक्टर वाले बिल्कुल इसमें अप्लाई ना करें, जो स्पोर्ट्स कैंडिडेट गवर्नमेंट फेडरेशन से खेला है, जैसे कि अपनी FI की एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है, BFI बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, VFA वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया है, तो गाइस जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है वही इसमें जाए, ठीक है। तो गाइस अपनी आर्टिलरी सेंटर नासिक की तरफ से ये अपनी स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट निकल के आए, जो कि आपका डेट मैंने आपको बता दिया, 3 से 4 अक्टूबर के बीच में आपका इसके अंदर ट्रायल होने वाला है। 3 तारीख को आपको पहुंचना है, जो कि मैंने अभी बताया, आपको पहुंचना है 3 अक्टूबर को, जो कि आर्टिलरी सेंटर महाराष्ट्र के अंदर सेंटर पड़ता है नासिक के, और 4:30 बजे सुबह आपको पहुंचना है। जो गाइस एज लिमिट दोबारा बता देता हूं, 17.5 से लेकर 21 साल तक के बीच में आप जा सकते हो। तो गाइस इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो कि अपनी आर्टिलरी सेंटर नासिक की तरफ से स्पोर्ट्स कोटा भर्ती निकल के आई है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और गाइज आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, और जो व्यूअर्स हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो गाइज आप सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देख लेते हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो गाइज एक अपना टेलीग्राम चैनल भी है स्पोर्ट्स कोटा जॉब्स के नाम से, आप टेलीग्राम में सर्च भी कर सकते हैं, आपको शो भी हो जाएगा। हालांकि आपको शो नहीं होता है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, सरलतापूर्वक ध्यानपूर्वक आप उस लिंक को क्लिक करके इस ग्रुप में जुड़ सकते हो चैनल पर। तो गाइस इस चैनल पे भी आपको स्पोर्ट्स रिलेटेड वीडियो, स्पोर्ट्स रिक्रूटमेंट छोटा से छोटा अपडेट यहाँ पे भी आपको सरलतापूर्वक ध्यानपूर्वक आपको बताया जाता है। तो इस चैनल पे भी प्यार दिखाएं, इस चैनल पे भी जुड़ें। तो गाइस इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मिलते हैं अगली स्पोर्ट्स रिलेटेड वीडियो प्लस स्पोर्ट्स रिक्रूटमेंट प्लस स्पोर्ट्स रिक्रूटमेंट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।